अपनी उम्मत के बारे इरशाद फरमाया। हमारे असलाफ में एक बुजुर्ग हुए हैं हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियुती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये ऐसे आशिक रसूल हैं, आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, आशिक रसूल भी हैं। और आपके बारे में उलमा ने बयान फरमाया कि ऐसे आशिक रसूल हैं कि इन्होंने 26 से ज़ायद मरतबा जागते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में शरीक होते हैं। इनकी मशहूर मारूफ किताब है शरह सुदूर, इसके की बात करते हैं हजरत सैयदना अनस के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मते मरहूमा तक मेरी उम्मत उम्मते मरहूमा तक कैसी उम्मत मरहूमा है, अल्लाह की कैसी रहमतें मेरी उम्मत पर नाज़िल होती हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तदखुलु उमूरहा बिज़ुनूबिहा, मेरी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उनका इंतकाल होता है, वो फौत हो जाते हैं, बड़े बड़े गुनाह अपने साथ कबूल कर जाते हैं। हर शख्स ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त बहुत फौरा करता है, जब कब्रों में जाते हैं तो गुनाह अपने साथ ले जाते हैं, जब कयामत को कब्रों से निकलेंगे उनके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं होगा, ऐसे कब्रों में गुनाह साथ ले जाए, कयामत को कब्रों से निकलेंगे गुनाह साथ नहीं होगा। नमाज पढ़ता दामन मुनकर हो गया, रोजा रखता दामन मुनकर हो गया, ठीक है, नेक अमल करता दामन मुनकर हो गया, मौत के साथ मगर फिर क्या बना कि जब कब्र में गया था गुनाह साथ ले गया, तेरा गुनाह नहीं हो गया। अजीज का नोला ने जो कोई फरमाया यही तो मेरी उम्मत की रहमत करना है, फरमाया तमहस अनहा इस्तिगफार المؤمنین रहा, इस जिंदा मोमिन ये जो मोमिन फौत हो गया इसके इंतकाल के बाद इसके मरने के बाद जिंदा मोमिनीन ने इसके लिए मगफरत की दुआएं की, बख्शिश की दुआएं की, इन दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने मरने वाले को सबको हमेशा अपनी दुआओं में अपने मरहूमीन को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन। फजीलत और दुआए नफरत की फजीलत महबूब मेरे आजा, मैं रो रो के ना मर जाऊं, क्योंकि लोकां दे होर सहारे लगा पर सानू सहारा ही तेरा, लोकी आखन मेरा मेरा ते मैं आखा सब कुछ तेरा, मैं आखा लगवारी तेरा तेरा मेरा मेरा। बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला। हजरत ग्रामी कदर तमाम मेहमान जो पॉलिटिक्स आए हैं, हम मशहूर हैं जी, मैं फैमिली की तरफ से वो तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत ही कीमती जो जुमले हैं आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं, बस एक दो मिनट की हाजिरी है। लामा साहब ने गुफ्तगू की है, मेरे दिल को छुई है, मेरा भी दिल मचल उठा है कि मैं एक जुमला मोहम्मद और आले मोहम्मद की शान में बयान करूं। ये औकात तो नहीं है मगर ड्यूटी है आले मोहम्मद की। शायर ने क्या खूबसूरत कलाम को कलम बंद किया है, आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं।
या मेरे मालिक, ये हाथ अल्लाह ने जो दिए हैं ये बहुत बड़ी नेमत है, जो आले मोहम्मद के लिए उठे उनको कभी फालिज ना हो। सुभान अल्लाह कहें जरा, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए ये जबान बोले, या मेरे मालिक मैं दवा गो हूँ आले मोहम्मद के दर के, कि उनको कभी फालिज ना हो। तवज्जो चाहता हूँ आपकी, बस एक मिनट में हाजिरी मुकम्मल। शायर ने क्या खूबसूरत कलम बंद कलाम किया है, मैं आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। शायर ने क्या लिखा है कि चमन का जिक्र करें, अलामा साहब तवज्जो आपके लिए दुआ लेनी है बस, आप चमन का जिक्र करें और कली की बात करें। सुभान अल्लाह बोले जरा। उस्ताद फरमाते हैं कि जो गवाह मदई की तरफ आए वो खामोश रहे वो अच्छा ही लगता। जरा सुभान अल्लाह बोले जरा। मैं आपको हलाना चाहता हूँ कि किसी की भी हाजिरी हो जाए अल्लाह की बारगाह में, आले मोहम्मद के लिए सबकी महफल हाजिरी कबूल हो जाए और साले सवाब के लिए। चमन का जिक्र करें और कली की बात करें, चमन का जिक्र करें और कली की बात करें, इधर उधर के अफसाने मुझे पसंद नहीं, नबी का जिक्र करें या अली की बात करें, क्योंकि अली का इश्क मकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मकद्दर सवार देता है, अली से बुख चेहरा बगाड़ देता है, अली के जिक्र को अदना ना समझे लाइन, जो एक ही हाथ से खैबर उखाड़ देता है। इसको समझ लगने को सुभान अल्लाह बोलो, क्योंकि मैं अली का नाम लेता हूँ, अलामा साहब दुआ चाहिए मुझे, मैं अली का नाम लेता हूँ, मैं अली का नाम लेता हूँ, मनाफक कद का गिरता है, मैं अली का नाम लेता हूँ, मनाफक कद का गिरता है, बताओ अली वालों, बताओ अली वालों, अली की तलवार कैसी है। हज़रात गिरामी कदर, टाइम की किल्लत है, मौला का फरमान है कि जो वक्त का ख्याल नहीं रखता वक्त भी उसका ख्याल नहीं रखता। मैं दावते सुखन देता हूँ, पीरे तरीकत